नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक मोरी, जो भैंस की हमारी मोरी होती है, वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने दो डिजाइन्स की दिखाई थी, यदि वो वीडियो आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। और आज ये चार गांठ वाली दिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ी अलग डिजाइन से है, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर हमारे कमेंट आए कि चार गांठ वाली दिखाइए, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रस्सी है, ये आपको 7-8 फीट ले लीजिए, ये मेरे पास हालांकि बड़ी रस्सी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी ले लीजिए, जितनी रस्सी आप चाहिए उस हिसाब से आप रस्सी ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे रस्सी पे। देखिए मोरा होता है, ये मोरखी होती है, वो किस प्रकार से बनाई जाती है। जो पशु होता है हमारा, उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार हमें बहुत ही जरूरत पड़ जाती है, तो इससे हम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी अलग डिजाइन के। तो देखिए सबसे पहले रस्सी डबल कर लीजिए दोस्तों, तो ये मैंने डबल कर लिया है, ये गांठ वाला हिस्सा ले लिया है। तो इसको कम से कम 1-2 मिलान के समथिंग ले लीजिए दोस्तों, और यहाँ ले लेनी है, इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है। फिर यहाँ से इसको ये ले लेना दोस्तों, कम से कम 1 मिलान और 4 आंगल ले लेना है, अंदाजा थोड़ी छोटी बड़ी और भी कर सकते हो। फिर आपको दूसरी एक और लेनी दोस्तों, ये मोरी बनाने के लिए कम से कम दोस्तों आपको 3 हिस्सा में लेना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखो बहुत ही आसानी से आप देख लीजिए। यहां पे देखिए आप, एक हिस्सा हमारा पहला ये रस्सी हो गई, फिर ये दूसरी रस्सी हो गई दोस्तों, ये बढ़िया है थोड़ी, और ये तीसरी रस्सी, और ये हमारी चौथी आएगी जो मेन रस्सी है ये। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये आपको देख लीजिए आप, बहुत ही आसानी से ये आपको करना है। तो इस विशेषकर आपको ध्यान रखना है, अगर 4 गांठ के आपको बनाना है तो इस 3 भागों में आपको बांटना है, और चौथा हमारा ये मेन रहेगा। तो देखो अंगुली में पकड़ने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सबसे मेन है, इस प्रकार से आप पकड़ना है। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि गांठ के हमें यही आप बनाएंगे, उसके बाद ही हमारी गांठ सही पता चलेगा। तो अब देखिए गांठ कैसे लगाते हैं, इसमें चारों कोण, 1, 1, 2, 3 और ये चौथा हमारा, तो ये 4 भाग हो गए। तो सबसे पहले पहले वाले भाग को आपको इधर लेना है, आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, इस प्रकार से ले लीजिए, या इस प्रकार से आप खोल के रख, इस प्रकार से ले लीजिए। ये सबसे पहला भाग है हमारा, एक। उसके बाद में ये 4 नंबर है, इसको थोड़ा लूज करके और इधर आपको लेना है दोस्तों, इन पहले दूसरे और तीसरे के बीच में, ये देख लीजिए इस प्रकार से आपको लेना है। ये हमारा पहले वाला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा हमारा, इस प्रकार से लेना है। फिर ये 3 नंबर को पकड़ना आपको, और 3 नंबर को पकड़ के आपको इस तरफ लेके जाना है, अंगूठा की तरफ, ठीक है दोस्तों। और फिर ये आपको 2 नंबर का है, ये इसमें डालना है, ये देखिए इसमें हम डाल देंगे, और वापस इसको थोड़ा थोड़ा आप टाइट करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको एकदम पूरा बैठा के दिखाता हूँ टाइट करके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये हमारी 4 गांठ की बैठेगी। वो ये थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, ये देखिए ये इस प्रकार से 4 गांठ आपको ये बैठने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि बहुत ही आसानी से आप देखिए। तो ये आपको देखने का, नीचे से देख लीजिए, आपको 4 भागों में ये अलग अलग, एक भाग में ये है, एक भाग में ये, एक भाग में एक में ये, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, नज़दीक करके देख लीजिए, ताकि आप भी आसानी से बना सकें। ये देखिए इसको नज़दीक कर देंगे, 4 आपके इससे हमारे बराबर हो जाएंगे, तो ये सबसे खास बात है। चलो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे गांठ का बहुत ही उपयोगी है, और इसी का खासकर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए खोलते हैं इसको, हम खोल देता हूँ मैं बहुत ही आसानी से, ये हमारा पहला हिस्सा निकाल देते हैं, और फिर ये दूसरा है, और ये हमारा चौथा है, और ये 1 नंबर है। तो इस प्रकार से लिया था, फिर देख लीजिए सबसे पहले हमें 1 नंबर ये अंगूठा में आपको पकड़ना है, फिर यहाँ से आपको ये 2 नंबर है हमारा, और फिर वापस से दोस्तों यहाँ पे ये 3 नंबर है, और ये बच गया है ये 4 नंबर है, ये देख लीजिए। तो आप 1, 2, 3, 4 भाषा में आप समझ जाएंगे, तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ये हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 नंबर को लेके आना है इधर, 1 नंबर को आप देख लीजिए बहुत ही आसानी से, और फिर 2 नंबर है, ये 4 नंबर है दोस्तों, इसको दोनों आंगुली की ये हमारी इनके बीच में लेना है, ये थोड़ी रस्सी सही कर लीजिए इस प्रकार से, ये 2 नंबर और ये हमारा 1 नंबर हो गया, और ये इनके बीच में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना, 4 नंबर को। फिर उसके बाद में ये 3 नंबर लेंगे हम,
तीन नंबर को आपको इधर लेके जाना है अंगूठा की तरफ से। अब बच गया हमारा दो नंबर, सबसे लास्ट में आपका दो नंबर का नंबर आता है और ये इसमें हम डालना है दो नंबर को इस प्रकार से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको नजदीक कर देंगे, इसको नजदीक कर लीजिए आप और यहाँ से इसको दोनों का पकड़ लीजिए। तो ये दोनों सीधा कर लीजिए रस्सियों को, ताकि देखिए ये हमारी है तो इसको हम सीधा कर देंगे और ये भी सीधी हो जाएगी और यहाँ से हम सीधा टाइट कर लेंगे दोस्तों इसको। तो ये चारों हिस्सा आपको बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये देखो ये हमारे बराबर हो गए हैं और नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ चारों हिस्सों में ये चार जेवड़ी आ जाएंगी। तो ये सबसे मेन बात है। अब दोस्तों आगे का देखिए, इसमें आगे क्या करना होगा, इसको सभी को टाइट कर दीजिए आप, बराबर हो हमारी रस्सियाँ हो जाएगी। तो ये देखो एक नंबर का हम साइड में कर दीजिए आप, ये चार भागों में आपको हो जाएगी चारों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, ये हमारी दोनों बराबर है और ये थोड़ी बड़ी रखिए। अब क्या करना है दोस्तों, दूसरा हिस्से में हम चलेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको पैर में फंसा लेना है या पाया में, इस प्रकार से पैर में फंसा लेना आपको। अब ये देखिए ये हिस्सा इधर हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये हिस्सा हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेंगे। अब इसको पकड़ेंगे और इस रस्सी को लेंगे और इसको इस प्रकार से लेंगे दोस्तों, ये नीचे, ये आप ऊपर ले लीजिए। लेकिन इसको क्या करना है दोस्तों, पहले हम इसको पलट लेते हैं इस प्रकार से, तभी हमारा सही आएगा। और ये रस्सी हमारी इस प्रकार से लेंगे, ये देख लीजिए ये रस्सी है, ये नीचे जाएगी और ये रस्सी हमारी ऊपर आएगी। अब क्या करना है, ये इसके ऊपर से लेना है और ये रस्सी है ये इसके अंदर से निकालेंगे। ये सबसे खास बात है, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही आसानी से। यहाँ से लेंगे और इसको नीचे से लेनी है और नीचे से पकड़ के ये हिस्सा लेंगे हम, ये डबल हमारी रस्सी है, इसमें ये हिस्सा लेंगे और इसके अंदर से निकालना आपको ये ऐसे। ये चीज़ सबसे खास है, इसका हम निकाल लेते हैं एक बार दोस्तों, इस प्रकार से आप अंदर से निकाल लीजिए। तो ये रस्सी देखो पूरी दोस्तों मैंने निकाल ली, ये देख लीजिए बहुत ही आसानी से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो ये इस प्रकार से हो गई हमारी रस्सी और ये इसमें फंसा दी। तो ये रस्सी मैंने निकाल दी, इसको नज़दीक कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी रस्सी थी मेरी, इसलिए मैंने ये किया है दोस्तों। तो ये वापस से नज़दीक कर देंगे। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी, अगर ये ज़्यादा छोटी पड़ती है तो आप और ले लीजिए। फिर ये रस्सी बच गई, ये इसके आप अंदर से डालना है, ये चीज़ खासकर आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए ये यहाँ से डालेंगे और फिर ये इससे निकालेंगे। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी रस्सी है, इस प्रकार से यार। तो ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा नज़दीक कर देंगे और रस्सियों को ये वापस हमारी इधर खींच देंगे और ये इधर खींच देंगे और ये वापस इधर खींच देंगे। तो देखें नीचे से देखेंगे तो ये आपको चारों हमारे मैच हो जाएंगे दोस्तों। ये थोड़ा सही करना पड़ेगा इनको आपस में, तो वो चीज़ हमारी ये चार ये भी बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे हमारी ये गांठ बैठी थी आप देख पा रहे हैं पीछे वाली, तो ये भी हमारी इसी प्रकार से बैठ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये एक बार आपको दोस्तों मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आप देख सकें। तो चलते हैं एक बार मैं आपको निकाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बनने के बाद ही हमारी कंप्लीट बोरी हो जाएगी। देखो आपको निकाल देता हूँ मैं एक बार यहाँ से और यहाँ से भी ये निकाल देते हैं और यहाँ से भी ये निकाल देते हैं दोस्तों और ये भी हमें निकाल देते हैं। ये बड़ी है थोड़ी रस्सी, इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों। ये बराबर हमारी रस्सी हो गई है। अब देखिए दोस्तों ये हमने पकड़ लिया है और इसके नीचे से आपको लेना है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। थोड़ी इतनी ज़्यादा ले सकते हैं, फिर ये लेनी इस प्रकार से और एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, ये हिस्सा आपको इसके नीचे से देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पकड़ के रखिए, ये पूरी रस्सी हमारी है, इसको मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ से ये निकाल दिया, देखो ये हिस्सा आपको नज़दीक हमारा हो जाएगा। तो यही सबसे मेन बात है दोस्तों इसमें, यही मेन बात है। देखो ये हिस्सा हमारा सीधा जा रहा है तो ये सीधे वाली पकड़नी है, ये हिस्सा हमारा चार नंबर था तो चार नंबर को आपको गांठ लगाना है। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे और इसको आप नज़दीक कर लीजिए इस प्रकार से बराबर, इस प्रकार से बराबर करना है। यदि और भी आपको डिजाइंस देखनी है दोस्तों, इसे पर्टिकुलर्स मैंने और भी डिजाइंस की बनाई थी तो वो देख सकते हैं। अब ये क्या करना है आपको, ये हिस्सा हमारा बच गया है, ये इसमें आप डाल दीजिए इस प्रकार से और इसको थोड़ा नज़दीक कर देंगे और ये डाल के फिर दोस्तों ये हमारी चार नंबर वाली बड़ी वाली रस्सी है, ये इसके अंदर से पूरी हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, ये पूरी रस्सी निकाल देंगे दोस्तों और फिर यहाँ पे हम नज़दीक हो जाएंगे और ये रस्सी को वापस खींच लीजिए इस प्रकार से और इसको भी वापस खींच दीजिए। और वापस खींचने के बाद में दोस्तों ये देखिए आप, हमारी पूरी इस प्रकार से टाइट कर दीजिए इन रस्सियों को,
और ये सभी मैच हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमारी इस प्रकार से हो रही है, बन जाएगी, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। दोनों सिरे एक हो जाएंगे, देखो ये हमारे उल्टा है, ये उल्टा। अब क्या करना, आपको पहराने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से देखो गोड़ा में आप ले लीजिए, ये हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा हमारा, तो ये हिस्सा हमारा दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे, ये इस प्रकार से दोनों आपको रस्सी सही कर लेंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखिए, ये हिस्सा हमारा बच गया, ये हिस्सा पीछे आप बांध देंगे दोस्तों। इस प्रकार से बांध देंगे, जितना आपको जरूरत होगी उस प्रकार से बांध के और ये भैंस में आप डाल देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी मोरी बन जाएगी दोस्तों। ये चार गांठ की है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ये गांठ का और ये गांठ का। तो ये आपको देख ले थोड़ा सा कि इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारी सही हो जाएगी दोस्तों। तो वो चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोनों गांठों के आप बना पाएंगे। तो जो भी आपको अच्छी लगेगी वो बना लीजिए दोस्तों। इससे पहले मैंने बनाई थी डबल में, दो डिजाइन की दिखाई थी, तो वो आपको अच्छी लगती है तो वो बना लीजिए। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो ये बना सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है, तो वो सभी आप कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपको अच्छी डिजाइन में लगे, इससे पहले और भी मैंने बताई थी तो वो आप देख सकते हैं। इसमें तीन हिस्सा आएंगे, ये हमारे तीन डोरों में आपको एक दो तीन और चौथा भाग ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसमें आपको देखो ये दोनों आप पहना देंगे मुँह में और ये पीछे आपको बांध देंगे दोस्तों। बस ओके, ये पीछे बन जाएगा तो ये हमारी डबल में बन जाएगी, ये चार गांठों की। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।